भक्तियों से डरकर मैदान छोड़ जाएंगे। हमने कहा था अपने वोट पर पहरा देंगे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अपने वोट पर पहरा दिया। तुम कहते हो 65 वोटों का फर्क है, हम ये कहते हैं 65,000 हमने तुमसे ज्यादा लिए हैं। लेकिन बात यह है कि जब तुम दो नंबरियों पर उतर आओ और जनाब धांधलियों पर उतर आओ और जब तुम और तुम्हारा सिस्टम बैठ जाए तो फिर उसके मुकाबले में, हक के मुकाबले में तुम्हारे सिस्टम बैठने शुरू हो जाए। फिर तो मैं यही कहूंगा कि बाबा जी फरमाते थे, मर्द वो होता है जो मैदान में मुकाबले करता है, अंदर पिछले कमरों में छुप कर धांधलियां नहीं करता। फिर खड़े रहते हैं मैदान में और कहते हैं कि सिस्टम को बैठने की जरूरत नहीं। और फिर तुम कहते हो कि जो तुमने दरखास्त की है रिकाउंटिंग की, वो भी हमें मुस्तरद करते हैं। मैंने कहा हम समझ गए हैं कि कुत्ती चोरन ना रली होइए। इसका उर्दू मतलब ये है कि जो कुत्ती है जिसको मुहाफिज खड़ा किया था वो चोरों के साथ मिल गई है। कोई बात नहीं, तुम मिल के रहो। अब हुजूर के दीन के मुहाफिज इतने पैदा हो चुके हैं कि अगर कोई चोर चोरी की कोशिश करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, और कोई डाकू तहरीक लब्बैक के हक की तरफ टेढ़ी आंख करेगा तो उसकी आंखें नोच दी जाएंगी। मैं उन्हें कहता हूं, तुम हमारे उम्मीदवारों को डराते थे, धमकाते थे, इस रात के पहर में भी लब्बैक वाले हक करने के लिए बैठे हुए हैं कि अगरचे हमारा मिजाज नहीं है लेकिन इश्क मिजाज का कायल नहीं है, इश्क मिजाज यार का कायल है कि यार चाहता क्या है, जिस मकाम पर खून मांगता है। लब्बैक वाले कहते हैं हमारा खून हाजिर है, वोट मांगता है लब्बैक वालों का वोट हाजिर है, वक्त मांगता है वक्त हाजिर है, और अगर वक्त मांगे के गर्दन चाहिए तो लब्बैक वाले पूछते हैं वो भी हाजिर है। और हमें धमकियां देने वाले उनको पता ही नहीं, हम जो नजरिया रखते हैं वो कहते हैं ये फलां जगह नहीं फलां जगह नहीं। मैंने कहा हमारा कायद हमें इकबाल की जबानी बता कर क्या है कि तुम्हारी जगह कौन कौन सी है, वो ये है कि हर मुल्क मुल्क के मास के हर मुल्क मिलके